हे हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज मैं आपके साथ में एक इतनी पावरफुल रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट रेमेडी है, जिससे मेरी बालों की जितनी भी परेशानी है ना वो दूर रहती है। एंड मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी कोई आप ऐसी एक रेमेडी बताओ जिसको हम यूज़ करें जिससे बालों की सारी परेशानी खत्म हो जाए। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो गाइस, मैं आज आपके साथ में एक अपनी पावरफुल फेवरेट रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसको मैं 15 दिन में वीक में एक बार ज़रूर अप्लाई करती हूँ। एंड ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आपकी हेयर ग्रोथ ना नॉन स्टॉप होने वाली है। सो पहले क्या हाल था मेरा, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, बाल झड़ रहे थे, ड्राइनेस थी बालों में, इतने ज़्यादा दो मुँहे बाल थे और बालों का मतलब अनइवन हेयर लगते थे, कोई भी इनमें इंप्रूव नहीं था, बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते थे। एंड गाइस, जब से मैंने ये रेमेडी ट्राई करना स्टार्ट किया है ना, तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव मिला है अपने बालों में। और जब भी मैं इसको अप्लाई करती, तो अभी मैं इसको बस अप्लाई कर रही थी, सोचा आपके साथ में शेयर करूँ ताकि गाइज आपको भी हेल्प मिले, आप भी मेरी तरह परेशान ना हो जो मैं पहले परेशान थी। तो गाइज, सबसे पहले आपको लेना क्या है, सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है हमारा हेयर के लिए फेनुग्रीक सीड, मेथी दाना। देन आपको लेना है अलसी के बीज फ्लैक्स सीड। देन आपको लेना है चावल। ये तीनों ही इंग्रेडिएंट हमारे बालों में इतनी अमेजिंग जान डाल देने वाले हैं ना, मैं एक एक करके इनके बारे में बताऊंगी कि इनको हम बालों के लिए क्यों यूज़ करते हैं, ये बालों में कितनी जल्दी असर देते हैं। तो पहले रेमेडी बनाते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि अच्छे से इनको वॉश किया, कितनी ज़्यादा गंदगी निकली। अब मैं क्या करूँगी, इन तीनों को अच्छे से धोलने के बाद मैं फ़िल्टर वाटर इसमें ऐड कर दूँगी 1 ग्लास, एंड ओवरनाइट इसे ऐसे ही रखे छोड़ दूँगी। देन नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हो चावल, फेनुग्रीक सीड, अलसी के बीज अच्छे से फूल चुके हैं। अब ये क्या करूँगी मैं इनका, अब मैं इनको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा फाइन पेस्ट बनाना है, अगर आप थिन पेस्ट बनाएंगे तो ये बालों में चिपक जाएगा और हेयर फॉल बढ़ेगा, इसलिए आपको बिल्कुल पतला महीन इसको पीसना है। मेथी दाना आपके बालों के लिए अमृत के समान है, इसमें मौजूद प्रोटीन और निकोटीन एसिड बालों को अंदर से पोषण देने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें लेसेथिन पाया जाता है जिससे बाल मजबूत होते हैं और मुलायम भी होते हैं। मेथी दाना बालों में लगाने से बाल झड़ने की समस्या बिल्कुल दूर हो जाती है। इस अलसी के बीज हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारे बालों में ग्रोथ प्रोवाइड होती है, बाल मजबूत बनते हैं, हेयर फॉल रुकता है। अलसी के बीजों का तेल स्कैल्प से जुड़ी समस्या को ठीक करने में हेल्प करता है। और लास्ट, चावल के पानी में इनोसिटिनोल होता है जो एक कार्बोहाइड्रेट है, यह डैमेज बालों को रिपेयर करता है और हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देता है। सो गाइस, पेस्ट बनके तो तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि अप्लाई किस तरीके से करें कि ये हमारे बालों को जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स प्रोवाइड करें। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अपने अनसुलझे बालों में, बाल मतलब बिना सुलझे बालों में ऐसे ही कोई भी चीज़ अप्लाई कर लेते हैं और वो क्या करती है, सिर्फ बालों बालों तक रह जाती है, वो अच्छे से न्यूट्रिशन हमारे बालों को प्रोवाइड नहीं कर पाती, अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पाती हमारे स्कैल्प में। इसलिए गाइस, आपको सबसे पहले अपने बालों को कॉम करना है। कॉम करने से होगा क्या, जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होगा तो जो भी हम रेमेडी अपने बालों में अप्लाई करेंगे वो बालों को मजबूत बनाएगी, बालों को सॉफ्ट बनाएगी। आप कोई भी ऑयल रेमेडी कुछ भी अप्लाई करें, पहले बालों को अच्छे से कॉम करें, देन अप्लाई करें। इसको अप्लाई करना बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, लेकिन आपको जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से अप्लाई करनी है। आप एक बार देख लीजिए, जैसे कि आपको एक एक मांग करनी है, देन मांग में अप्लाई करते जाओ इसको। सबसे पहले आपको इसे अपने स्कैल्प में अच्छे तरीके से मसाज करते हुए अप्लाई करना है। पहले आपको स्कैल्प को फिल करना है अच्छे से और आपको एक भी जगह नहीं छोड़नी है। पूरा आप देख सकते हो मैंने अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प पे अप्लाई कर लिया। स्कैल्प पे अप्लाई करने के बाद में आपको एक एक बालों पे इसको अप्लाई करना है, और हो सके तो आप पहले अपने बालों को हल्का सा वेट कर लें, देन उसके बाद अप्लाई करें। इससे क्या होगा, ये बहुत आसानी से बालों में जा पाएगा, क्योंकि हम जब ड्राई हेयर में अप्लाई करते हैं ना तो वो चीज़ अच्छे से बालों में नहीं पेनिट्रेट करती। जब बाल गीले होते हैं तो उसमें अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे से बालों को सोक कर ले। ये रेमेडी यूज़ करना स्टार्ट किया है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा, बालों का टेक्सचर ठीक हो गया है, शाइनी हो गए, सॉफ्ट हो गए, स्मूथ हो गए, एंड हेयर ग्रोथ तो आप देख ही सकते हो, बाउंसनेस आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हेयर लगते हैं जब से मैं इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया है। सो गाइस, आपको मेरी रेमेडीज़ कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, एंड आप भी ट्राई करना ये हेयर मास्क। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।